सानू अकाल पुरख के ज्ञान अकाल पुरख की कुदरत हर पक्ष तो हुक्म गुणा तो जिथे बाणी भरपूर ज्ञान बख्शती है उत्थे नाल नाल गुरबाणी के विच तमाम वो विषय जिन्हां बारे समाज के विच बहुत भुलेखा रहा है गुरु साहब जी ने बड़े प्यार दे नाल कोल बिठा के संसार की इस लुकाई नूं हर मनुख नूं किसी भी मातम तंत्र दा होवे उसनों एक सांझे रूप दे विच एक उपदेश सांझा कीता है जिथे लगातार चार शब्दों की विचार सांझी हो चुकी है सौ पुरख सिरलेख हेठ चार बंद ने पांच बंद आते हैं चार बंदा की विचार कल तक के दीवार में सांझी हो चुकी है अगले अखीरले बंद की विचार मगरों आसा राग दे विच गुरु रामदास जी का पावन शब्द तू करता सचियार मैंडा साईं इस दी विचार कल दे दीवान दे विच सांझी कर सकांगे आओ अखीरले बंद दी विचार गुरु कृपा दे नाल सांझा करन दा यतन करिए विचारां दी सांझ तों पहलां सारी संगत फतेह प्रवानो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी ने अरंभ दे विच अकाल पुरख नूं निरंजन आख के कि वह अकाल पुरख है समुचे संसार इस कुदरत दे विच वरत रहा है पर निरंजन लफ्ज यह साढ़े विच एक गुण वो पेश करता है अकाल पुरख का कि जिहड़ा सारे थां ते हो के भी वह निर्लेप है बेदाग है निरंजन है सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम्मा अगम अपारा ते नाल नाल हर बंद विच नाल ये दसदे आ रहे ने कि जेड़ा निरंजन अकाल पुरख है वो किस तरीके दे नाल समुचे संसार नू साजदा है इस कुदरत नू बनाउण वाला वो है और जिन्हें जिन्हें उन्हें त्याया अपनी सोच के दायरे मुताबक जिन्होंने जितना अकाल पुरख देखिया महसूस किया उतना को गाउण का यतन किया पर अखीर फैसला देके कह रहे सन ओ भगत जन भले हन जेड़े तेनू भा गए ने बाकियां ने यतन तो बहुतात किया कोई तप करता है कोई पूजा करता है कोई तेरे नाम का बार बार रटन करता है ते शब्द वरते सन तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करता पर फाइनल जवाब यह आया सी से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता। पिछली लड़ी नूं नाल जोड़दिया सतगुरु जी ने अगले पंजवें बंद दे विच भी उस अकाल पुरख दे गुणां नूं साडे समक्ष रखिया है। गुरु कहिंदे तू आद पुरख अपरंपर करता जी हे अकाल पुरख तू आद तो है आद का अर्थ है मुढ तो जो कुछ भी नहीं बनया कुछ भी सिरजा नहीं सी गया उदों भी अकाल पुरख जी तुसी अपने आप दे विच बने सो जिन्हों असी सह भंग पढ़ते हैं अकाल पुरख का यह भी एक अपने आप विच बेअंत वड्डा गुण है कि वह किसी दे बनाया नहीं बनता सह भंग अपने आप तो बने है अपने आप तो प्रकाशमान है क्योंकि संसार रब प्रति बड़ा कंफ्यूज रहा है अकाल पुरख तो ही समुचियां शाखावां निकलदियां ने धर्म की शाखा कह लवो
या कोई मर्यादा, कोई नियम, कोई मत, कोई रस्ता, अगर मोढ़ी सानू स्पष्ट नहीं, क्लीयर नहीं, तो सच यह है कि एक अकाल पुरख के नाम ते केवल तो केवल तुरे जाना, सफर करे जाना, पर पता ही नहीं कि आखिर पहुंच कित्थे होनी है, ये सफर मुकना कित्थे चाहिए है, असी जाना कित्थे है। सदियों तो रब बारे संसार गुमराह रहा सी, कारण इको ही है, जिन्हें अगवाई की है उन्हें अपनी सोच मुताबक रब घड़िया। उसने देखा कि संसार धर्म के नाम से, रब के नाम से यह सारा कुछ अर्पित करने को तैयार है, सारा कुछ भेटा कर सकता है। रब के नाम से ही तमाम लोगों को भेटावान लिया गई। जो ब्राह्मण ने रब का रूप घड़िया, समाज ने वह प्रवान कर लिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह आख रहे ने, तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको। बार बार यह गल दृढ़ कराई जाती है बाणी विच कि वो एको ही है, जेड़ा इस सृष्टि बनन तो पहला दा बड़े है, आद है, बुट है। हुण देखो बाणी विच गुरु पातशाह जी ने एक सवाल खड़ा किया। गुरु अर्जन साहब पातशाह का शब्द पढ़िए, उत्थे गुरु अर्जन साहब कहते ने, तुसी ये कहते हो कि कृष्ण भी भगवान है। देखो किसी के मत ते गुरु ने कोई अपनी खुशी हेत कटाक्ष नहीं किया। असल विच सवाल करना धर्म के नाम से हर धर्म के राह ते तुरन वाले का एक हक बनता है। आखिर पूछना तो पड़ेगा ना, तुसी अज तक सानू रब बारे यो दसते आए हो कि कृष्ण भी एक भगवान है। ते गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते ने, सगली थीत पास डार राखी, सारिया तरीका बन्ने ला दित्तियां गईयां, हर एक बार महीना थित लंघी, पर रब ने जन्म कदों लिया, सगली थीत पास डार राखी। गोबिंद ने, अकाल पुरख ने जन्म लिया जन्मासी। आम तौर पर यह प्रचलित होया भादों के अष्टमी वाले दिन कृष्ण का जन्म होया। तो गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते ने, अकाल पुरख ने एहो एक तरीक चुननी सी, क्योंकि सानू किसी ना किसी दिन के नाल जोड़िया गया, यह अष्टमी वाला दिन यो महान बना दिता गया। देखो ना गुरबाणी में गुरु साहब ने अनेक थां ते सवाल खड़े किए ने। गुरु कहते ने, तुसी नू बार बार जूना विच पेश करते हो, अज तक गीता दा प्रमाण स्टेजां ते सुनाया जा रहा है कि यदा यदा धर्मस गलानी भवे, ते सुनाया जा रहा है कि जदों जदों लोड़ पैंदी इस धरती ते रब अवतार धारदा है, रब आउंदा है। गुरु साहब कहते ने, अकाल पुरख अजूनी है, तुसी उन्हों बार बार जन्म विच पेश करते हो, वह हर समय भीड़ बैण ते वह जन्म धारण करता है। गुरु साहब तो इतों तक कहते ने, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जूनी, वह मूँह सड़ जाए जिहड़ा कहिंदा है रब जूना विच आउंदा है। हुण देखो बाणी दा ते सच है ना, आखिर इस विचारधारा नूं जदों असी संगत विच साझिया करांगे ते इहदे अर्थ तां इही बणनगे ना, अर्थ तां नहीं बदले जा सकते। पिछले दिनां च आप जी ने न्यूज़ां विच सुनिया होएगा, पढ़िया होएगा कि जदों बठिंडे दे एक पिंड दे विच गुरद्वारे दे ग्रंथी वीर ने जदों बाणी दे सरीके नाल अर्थ संगत नूं दसे जो बाणी दा सच है, ते उत्थे भाजपा लीडरां ने आम बंदियां ने रोला पाया, सड़क ते उत्थे जाम लाता, जी सिख जिहड़े ने इह साडे रब नूं भगवान नूं माड़ा कहिंदे ने। ते जदों इह रोला पिया ते श्रोमणी कमेटी दा उत्थे इक मैंबर, इक नुमाइंदा पहुँच के कहिंदा, जी असीं हुण सारे गुरद्वारियां विच नोटिस लवा देवांगे, कोई किसी दे मत दे खिलाफ ना बोले। हुण दसो अजूनी दे अर्थ की करांगे गुरद्वारे बैठ के असीं, अगर असीं कही जी रब आउंदा है समय समय सिर, तां इह की गुरमत सिधांत है। जदों बाणी विचों असीं इह गल कहांगे कि आज नामे बीठुल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे,
ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠੂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਦੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ ਲੇਕਰ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਚਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਤਾ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਦੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ ਲੇਕਰ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਲੂਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਵਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਫੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ।
उते पर्दा किया गया, पर्दे पिछे भगत बुलाए गए। एक पर्दा होर किया गया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिस वेले ज्योति जो संभाल गए उदो पर्दा करवाया गया, उदो पर्दे दे मगर हो गए ते उडारी मार गए मगरों कुछ ना लभिया। एक कहानी जदों स्थापित हुई ते इहदे पिछे कोई ना कोई ते वजह होएगी ना, इउं तां कहानी साखी अंकत नहीं हुई। जिहड़ा इह मिथ साडे च प्रचारिया गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े समेत उडारी मार गए ते पिछे एक संपर्दा पैदा होई, तुसीं देखिया होणा है, तुसीं नामधारी संपर्दा दा इतिहास पढ़ लो, इह कित्थों आई है। जिहड़े नानक अपने आप नूं पंथी खवाण वाले नामधारी कोई निरंकारी, इन्हां दे बैक तुसीं इतिहास खोल के वेख लवो, इह कित्थों प्रारंभ होए ने। इस घटना तो आ संस्था आजाद हुई है। यह कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी 1708 में अलोप हो गए सन, शहीद नहीं सन हुए, ज्योति जोत नहीं सन समाए, अलोप हो गए सन। ते अलोप होने बाद 15 साल बाद जाके पंजाब के एक पिंड दे विच उत्थे आके गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बाबे नूं गद्दी दित्ती ते उन्हूं अपना 11वां गुरु स्थापित किया। उसके बाद 12वां 13वां 14वां ते अज 15वां सतगुरु जगजीत सिंह नाम दा जिहदे सिर ते चौर हुंदी है अज भी पंजाब दे विच। गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश नहीं हुंदा, उत्थे बाबा बिठाया जांदा, उत्ते चंदोआ हुंदा, उहदे उत्ते चौर हुंदी है, बाबे नूं लोक मत्था टेकदे ने, उहदे अगे माया चढ़ाउंदे ने, कीर्तन उहदे पैरां हेठ हेठ बैठ के कीता जा रिहा हुंदा है अज भी। यह संपर्दा उतों शुरू हुई है उस घटना तो, उतों की गुरु गोबिंद सिंह जी 15 साल बाद आए। वह गुरु ग्रंथ साहब की गुरियाई नहीं मानते, नहीं मानते कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु हैं। जो गुरियाई नहीं तो दसो वह गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की अगवाई में किवें समाज में प्रेरणा दे सकते हैं। एक बंदे अगे मत्था टेका जा रहा ना, इस तरह अगर उस वेले ब्राह्मण ने यहोजा इतिहास पैदा किया जड़ा एक ही गल नूं दो थां ते वख वख पेश कर रहा है तां उत्थे तां नुकसान होना ही होना है। ते नामदेव जी वर्गे सवाल खड़ा करदे ने, तुसीं दसो कि एक बन्ने कहिंदे हो कि गायत्री दा पाठ करन नाल दुख दूर होंदे ने, दूजे बन्ने गायत्री जिहड़ी है उह अपनी लत तुड़वा लैंदी है जदों गां बण के किसे दे खेत जावे तां। ते गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने भी इत्थे सवाल कीता, गुरु कहिंदे ने सगली थीत पास डार राखी, सारिया तरीका बन्ने रब ने ला दित्तियां, अष्टम थीत गोबिंद जन्मासी, इस तरीक विच रब ने पैदा होना सी कि इस तो पहला रब नहीं। ते गुरु साहिब ने रहाउ दी पंक्ति विच आखिया काहे भुले, हे भुले हुए लोको करत कचरायण, तुसी कच्चियां गल्लां क्यों करते हो। कचरायण दा अर्थ है कच्चियां गल्लां, जिहदा कोई सबूत नहीं है, जिहदा कोई भी दलील नहीं है। करत कचरायण ते अकाल पुरख जिहड़ा है वह तो जन्म मरण ते रहत नारायण, वह तो जन्म ते मौत विच नहीं होंदा। तुसी कहिंदे हो फलाने सनमे उन्हें जन्म लिया, फलाने युग विच वह आया, जो चार युग बनाए ने ते चौहां युगां दा वखरा वखरा राजा, वखरा वखरा रब बनाया गया। अज गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहिंदे ने तू युग युग एको, सदा सदा तू एको जी। हे मालक जी तुसी ता हर समय एको ही रहे हो, वख वख तुसी भगवान रूप च किते नहीं आए कि वह भगवान इस युग का, वह भगवान उस युग का। सतगुरु ने तो बाणी विच कह दिता ना, जन्म मरण आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा धारी जियो, सो ब्रह्म अजोनी हैपी होनी। ओ अकाल पुरख तां अजूनी है, जूना विच नहीं हुंदा। हाँ जिन्हां नूं तुसीं रब बनाया ना वह कौन ने, उन्हां बारे भी गुरु साहिब ने फैसला बाणी दे के आखिया। गुरु कहिंदे ने जुगां जुगां के राजे किए गावे कर अवतारी, लोकां ने जिन्हां नूं अवतार बना के गाया ना ये हर अपने वक्त वक्त दे राजे होए ने, केवल जुगां जुगां के राजे किए। ते सुभावक है राजे जिहड़े ने ना वो आम रईयत दे रब बन जाते हैं, जिहड़े लोड़वंद ने वो अपनी लोड़ वेखते ने साडी लोड़ पूरी कित्थों आई है। ते जदों
नेते लोग भी अनेक एहो जे लोगों अपने मगर लाते हैं तो वह उन्हों की पूजा करते हैं, आरतियां करते हैं, घर फोटो लाते हैं। अज भी तो समाज ऐसा ना, तुसी पिछले समय वेख्या होएगा यूपी विच भी अनेक लीडर दियां वड्डियां फोटो ला के आम समाज ने आरतियां कीतियां, आरतियां कीतियां, उन्हां दे नाम दा चालीसा निकलिया मार्केट दे विच। तुसी हैरान होवोगे बिहार दे विच हनुमान चालीसा जिवें तैयार होया सी ना हिंदू मच, एवें लालू चालीसा गुटका भी आजाद होया। इह सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने गरीबों वास्ते यही रब होंगे, यही रब। तो गुरु साहब ने भी बाणी च कहता जुगा जुगा के राजे की है गावे कर अवतारी, तुसी अवतार बना के इन्हों गा रहे हो, ये तो राजे हुए ने। राजे का इतिहास राजे तक रवे भला है, वह रब ना ना बनाओ कि भगवान हो फलाने युग का भगवान है, फलाने युग का भगवान है। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह स्पष्ट करके आख रहे हैं, जिस पुरख की गल कर रहे हैं ना, सो पुरख ओ की है। ते गुरु कहते हैं तू आद पुरख अपरंपर करता जी, अपरंपर जिदा कोई पारला बनना नहीं लग सकता, वो इतना बेअंत गुणा का मालक है, जिहड़ा आद जिहड़ा मुढ़ तो आरंभ तो है। आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तेरे वर्गा तेरे बराबर का कोई होर भी हो सकता है, तेरी बराबरता, क्योंकि तू संसार पैदा करने वाला है, तू सारे पैदा करके पालन वाला है, तो दस एहो जे गुण वाला कोई होर भी हो सकता है। आप पिछे पढ़ के आए हैं ना, गुण एहो और ना ही कोई, ना को हुआ ना को होए, आंडे वक्त की भी फैसला दे देता कोई नहीं हो सकता, पिछे भी कोई उहदे बराबर दा नहीं रहा, ते आंदे वक्त विच भी उहदे वर्गा कोई नहीं रहेगा। ताहे गुरु ने आख्या तुद नूं छोड़ जाइए प्रभु कै दर, तेनू छड़ के किहड़े पुए ते जाइए, तुद नूं छोड़ जाइए प्रभु कै दर, आन ना पिया तेरी समसर, तेरे बराबर दा कोई घर दर होवे तां मैं उत्थे जावां, उत्थे जाके फरियादी बणा। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। देखो कितनी दृढ़ता ते प्रोड़ता कर रहे ने गुरु पातशाह, बार बार एक दी प्रोड़ता हो रही है, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेचल करता सोई। नेचल दा अर्थ है जेड़ा मुड़ के वापस ना परते, चल ना होवे, जेड़ा आया तां चला गया, वो रब किदां होया। गुरु कहिंदे जो आया सो चल सी, सब कोई आए मारी है, पर तू नेचल है, तू चल नहीं है। ते वेखो ना गुरु तेग बहादुर साहब ने कह दिता, गुरु कहिंदे राम गयो, हुण दसो भगवान है, भगवान की डेफिनेशन च आ सकता है। एक बन्ने गुरु साहब नेचर रब मान रहे हो, तो दूजे बन्ने उसे नूं कह रहे ने राम गयो रामण गयो, तो कोई राम लफ्ज असीं बाणी चो कढ के कहीए जी, वेखो गुरु साहब राम की उपमा कर दे। आउण वाले समय अंदर रघुपत बाणी विच गुरु साहब ने वरते दे अर्थ करन दी यतन करांगे, कितनी थां ते रघुवंश रघुपत लफ्ज आए ने, अर्थ की ने, सानूं तां अर्थां पिछे कन्फ्यूज किया जा रहा ना। राम राम दे लफ्ज बाणी चो कढ ले, वेखो जी गुरु ग्रंथ साहिब विच राम दी भी उपमा है, केड़े राम दी, सानू ए तां अर्थ क्लीयर होण ना, केवल राम लफ्ज लैके कन्फ्यूज हो जाइए। एक कृष्ण ता सर्व देवा, देव देवा ता आत्मा, केड़ा कृष्ण, लफ्जां दे पिछे गुरबाणी दी जिहड़ी परिभाषा खलोती है ना, ओह चुकणी बड़ी जरूरी है। असीं लफ्ज चुक लैने आ, परिभाषा गुरबाणी दी नहीं चुकदे। उस शब्द के पिछे गुरु ने एक डेफिनेशन तैयार की है, अखरां नाल गुरु का कोई दूर नेड़े का कोई दूरियां नहीं, कि ये उन्हां लोकां दे वरते अखर ने असी ये नहीं अपनाउणे, शब्द ओही ने, परिभाषा गुरबाणी दी नवीं निकली है। तो गुरु कहिंदे तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरत है जी। हे अकाल पुरख जो तेनू पाउंदा है ना, तू करदा है,
तू किसे नाल सलाह नहीं करता, तू किसे तो पूछता नहीं। अगर तू किसे तो सलाह लैंदा ते बहुत सलाहकार ने, तेनू सलाहां देण वालियां दी कोई घाट कमी थोड़े है। पर तू जो करदा ना, पुछ ना साजे, पुछ ना ढाहे, पुछ ना लेवे, दे अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे। वो किसे तो सलाह नहीं लैंदा, किसे को नहीं पुछदा। इस करके मत कोई यो सोचे कि कोई किसे नू जाके कवे जी फलानी अरदास करके रब नू कवो आ गल पूरी कर देवे। तां दसो, पर एक समय तां हजारां थां ते अरदासां करन वाले ने, हरेक दी डिमांड वख वख है। रब अगर इन्हां सलावां विच पै जाए तां कन्फ्यूजन होएगी ना। वो जो करदा आप ही करदा, उन्हूं पता है चंगा ते भला की है, उन्हूं पता है समाज विच केड़ी चीज दी किस वक्त केड़ी लोड़ है। वो अपने हुक्म नियमावली दे मुताबक सारा कुछ भला करदा है। तां ही गुरदेव बाणी च कहिंदे ने, सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते, सब भला है, वो कुछ माड़ा नहीं करदा। तुद आपे भावै जो तेनू पौंदा है, सोई वरतै जी ओही वरतदा है, ओही हुंदा है। तू आपे करे सो होई, तू जो आप करदा हुंदा ओही है, किसे दे कीतियां कुछ नहीं हुंदा। आम तौर ते कहा जांदा ना, किसे ने साडे ते कुछ करता है, कोई किसे ते कुछ नहीं कर सकता, किसे दे हाथ वास दी गल नहीं है। इस करके बंदा बंदे तो डरिया होया है, खौफ खांदा है, फलाने रिश्तेदार ने जी साडे ते या साडे न्याणे ते कुछ कर दिता है, कोई करन दे समर्थ है। गुरु कहिंदे ने जो उहनूं पाउंदा होणा ओह है, इह तां भुलेखा है। ओह विचारे नूं वी किसे ने भुलेखे च पाता है कि तू ना कर फलानी चीज दब के आ, जां उहनां दे रोटी च कुछ पाया उत्थे कुछ कर आ, भुलेखा उहनूं वी विचारे नूं वी लुटिया पिया है। ते जिहड़ा डर गया है ओह वी उहदा भै खा रहा है, वी ब्राह्मणीइज़म दे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੰਨੀ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਰੰਗ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਦ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਦ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਦ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਦ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ 2012 ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
एक क्याफा लाना तो बड़ा आसान है, पर अकाल पुरख तू ही जानता है तू कदों इनू बनाया, ना बनन की कोई तरीक किसी नू पता है। आप जप बाणी चो पढ़ते हैं ना, गुरु पातशाह ने उत्थे यही सवाल खड़ा किया, गुरु केंद्र तुम आखते हो इस सृष्टि थले कोई बल्द खलोता है, इस धरती के थले कोई बल्द है, वह सिंघां ते इस धरती नू खिलार के बैठा है। अपने भी न्यूज आई ना फलाने थां थोड़ा जा भूचाल आया, तो यह प्रचार उस वेले किया जाता सी कि भूचाल क्यों आते ने, बल्द चार लत्तां वाला है, एक लत उहदी थक जांदी विचारा थोड़ा जा एक लत चुके रैसट करदा ते थोड़ी धरती हिल जांदी है, क्योंकि उहदे सिंघां ते चुकी होई है। ते गुरु साहिब दा सवाल वेखो किड्डा प्यारा है, गुरु कहिंदे चलो मन लैंदे तुसीं कहिंदे धरती थले कोई सिंघां ते बल्द खलोता है भार चुके, गुरु कहिंदे मैनूं इह दसो बल्द कित्थे खलोता है। यह सवाल कभी किसी के सोच में नहीं आया होगा। बाबे नानक ने सवाल पहला खड़ा किया, वह बल्द कित्थे खलोता है जी, ते क्योंकि मिथ है, हुण जवाब तो देना पड़ेगा जी, वह भी एक धरती ते खलोता है, ते दसो वह धरती हुण कितने सहारे खलोती है, एक होर थले बल्द सिंघां दे नाल उहनूं खिलार के खलोता है, वह कितने खलोता जी, एक होर धरती गल तो मुकन ते कोई आनी। ते गुरु साहब कहते धरती होर पर है होर होर तिसते भार तले कौन चोर, दलील नाल गुरु ने गल की है। गुरु साहब जी ने जप बाणी च अनेक भुलेखे भरम लाए ने, ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहिंदे तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज, सिरज दा अर्थ है तू आपे बनाई है, सब गोई, गोई दा अर्थ है पनाह करना खत्म कर देना, जो तू आप बनाई है तेनू पता है, तू आप मिटाउण दे समर्थ है, इस करके कोई होर ताकत नहीं, जन नानक गुण गावे करते के जी। आप असी सारिया ने अपने हिरदे दे तहत ते नोट करके अपने जीवन विच वरताउणा है, आप इस ते पहरा देण दा यतन करना है, जो अखीर गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहिंदे ने असी अगर गुण गाउणे ने, इह अकाल पुरख तेरे अजिहे रूप रंग तेरी ये विचारधारा दे असी अनुयायी बनते हाँ, तेरे गुणा नूं केवल गाउणे आ, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, जो सारिआं दे अंदरां दी जाणन वाला है, हर एक दे घट दी सोच विचार फुरने को जानन वाला है, वो अकाल पुरख दे गुणा नूं गाउण दी गुरु हदायत करदे ने, यतन करना है। असी रब दे नाम ते किते भुलेखे च ना पईए कि फलाने समय नामदेव जी नूं रब ने दर्शन दिते, इन्नी वार फलाने भगत नूं दर्शन दिते, अजिहियां साखियां अजिहे जो मिथ गप समाज दे विच रब दे नाम ते वरत रही है, इहदे तों परहेज करना है, और गुरबाणी दे इस सच नूं हमेशा अटल मन के अपने जीवन विच वरताउण दा यतन करिए। गुरु कृपा करे बख्शिश करे, आओ सतगुरु गुरमुख दे राही जो नेत्रे रूप च यह बाणी सानू पढ़न वास्ते आप अंकित करके गए ने, इस नूं अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, बेअंत भुलां गलतियां दी खिमा करदे हां, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।